इस दुनिया में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं दोस्तों जो इंसान किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहता, लेकिन उसमें से सबसे खास रिश्ता एक प्यार का और एक पति पत्नी का होता है, जो कभी भी अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती और कोई लड़की अपने प्यार का समझौता किसी और के साथ नहीं कर सकती। दोस्तों आप सभी भी ये जानते हैं कि प्यार ज़िंदगी में वो और हसीन और रंगीन चीज़ होती है, जिसके जीवन में आ जाने से हमारी उजड़ी हुई बस्ती एक रंगीन हसीन दुनिया लगने लगती है, और इसी चीज़ को प्यार कहते हैं दोस्तों। जिस इंसान के हमारे जीवन में आ जाने से हमारी ज़िंदगी जो बेरंग थी वो रंगों में बदल जाती है, जिसके आने से हमें हर पल खुशियां ही खुशियां हर जगह नज़र आती हैं, जिस इंसान के हमारे जीवन में आ जाने से हमें उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता, दोस्तों यही प्यार होता है। लेकिन कहीं चलते आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग होने के कारण दोस्तों ये भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार में कहीं कमी रही होगी या फिर विश्वास में कहीं कमी रही होगी एक दूसरे के प्रति। क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ हैं, आपका प्यार सच्चा होता तो आप एक दूसरे से अलग ना होते, कहीं ना कहीं आप दोनों की गलती के कारण आज आप एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन अगर आप ये गलती कर चुके हैं, अब आपको पछतावा हो रहा है कि ये गलत है, सही नहीं है, जितना प्यार मेरा पार्टनर मुझे करता है शायद ही और कोई कर पाए, तो आज आप चाहते हैं वो टोटके उपाय जिससे आप अपने खोए प्यार को अपने जीवन में वापस पा लें। तो दोस्तों आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपका प्यार आपके पास लौटकर फिर वापस आएगा, हमारा आपके साथ वादा है। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको छोटी सी कुर्बानी देनी होगी, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक रहना होगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने खोए प्यार को अपने जीवन में वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 बेलपत्र चाहिए होंगे और 3 धतूरे के बीज चाहिए होंगे। दोस्तों ये दोनों ही सामग्री आपने एकत्रित करने के बाद एक लाल कपड़े में लपेट कर इसे सरसों के तेल से इर्द गिर्द घेर लेना है, और इसके बाद आपने इन दोनों ही चीज़ों को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर सोमवार के दिन कच्चे दूध के साथ चढ़ाना है। जैसे ही आप ये कार्य करेंगे, घर आने के पश्चात आपने एक लाल आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में लेते हुए ओम भूर भवे स्वः तद्भवे नमो स्वाहा इस मंत्र का जाप आपने 121 बार प्रतिदिन 11 दिन करना है और नियंत्रण करते रहना है। यकीन मानिए जहाँ कहीं भी आपका प्यार होगा लौटकर आपके पास वापस जरूर आएगा। जिस तरह बाकी सभी लोगों ने लाखों की संख्या में सफलता पाई है, छोटे से मंत्र और टोटके से आप भी पा लेंगे अपने खोए प्यार को वापस पाने के लिए। वीडियो टोटका अगर सच में आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।